बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ठीक, पहले ठीक कहा था ना कि अगर ये पंजाब और केपी की असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर एक प्रेशर तो बिल्डअप हो जाएगा, और वो प्रेशर जो अभी बिल्डअप के करने की कोशिश कर रहे हैं उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले भी ठीक कहा था, और अब जब वो प्रेशर या वो थ्रेट हकीकत नहीं सर, पहले अगर ठीक कहा था तो राणा साहब ने कहा था फिर इलेक्शंस कॉल हो जाएंगे, तो अब क्या हम समझें कि वो अगर फिर आप लोग अब इलेक्शंस कॉल कर देंगे जनरल? नहीं नहीं, देखिए हमने तो इसको सियासी तौर पे देखना है ना जी, जो मुल्क के लिए बेहतर है, या ओवरऑल एक हम समझते हैं कि हमारा जो टेन्योर बाकी है जिसके अंदर हमने अभी डिलीवर करना है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इसको, ये जो सियासी चाल इन्होंने चली है उसको हमने जो है वो रिजॉल्व करना है, या हमने भी उसके जवाब में जो चाल चलनी है वो बिल्कुल एक सियासी अमल जो है वो तो चलेगा। देखें, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं उस पर कॉमेंट करूं, हमें, मैं समझता हूं बड़ा जरूरी है कि हम इस पर आए क्यों और इमरान खान ने ये अनाउंस क्यों किया। देखिए इमरान खान ने ये इसलिए अनाउंस किया क्योंकि उसका लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो गया था, क्योंकि उसकी दो हदफ थे लॉन्ग मार्च में, कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जो आलमी साजिश से आई, इसलिए इलेक्शन जल्दी कराओ, और दूसरा ये कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री है उसके ऊपर उनके कुछ ख्याल थे। दोनों में वो फेल हो गए, ना वो अर्ली इलेक्शन लॉन्ग मार्च के जरिए करा सके और ना जो है वो तकर्री के ऊपर जो है हावी हो सके, और उनका जो आखिरी दिन का शो था जो पिंडी में जो लोगों ने देखा वो कोई रिकॉर्ड शो नहीं था, वो एक नॉर्मल गैदरिंग थी जो कि अच्छी थी, हजारों में लोग थे, लाखों में नहीं थे, वहां 10 लाख लोग तो बिल्कुल भी नहीं थे, 5 भी नहीं थे, 20-25 भी नहीं थे, चंद हजार लोग जरूर थे। तो वहां से उन्होंने अपनी फेस सेविंग करनी थी, फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये नया जो है वो सोचा छोड़ा कि मैं असेंबलियां डिसॉल्व कर लेता हूं। अब उसका अब तक क्या रद्द अमल आया? अब तक ये रद्द अमल आया कि बलूचिस्तान में तो फूट पड़ गई है, वहां तो कंफ्यूजन है कि इनकी अपने जो लोग हैं उसके अंदर जो है वो लोगों का ख्याल है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, और वो सीन तो बलूचिस्तान का तो मुश्किल में पड़ गया है। इसी तरह सिंध में भी इसी तरह की चंद खबरें आ रही है कि वहां भी कुछ लोग जो हैं पीटीआई के अंदर से नहीं चलेंगे। पंजाब में क्या सूरत हाल है? देखें पंजाब में जिस चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मैं तो एक सेकेंड नहीं लगाऊंगा और मैं असेंबलियां डिसॉल्व कर दूंगा, वहां उस चीफ मिनिस्टर को कहें पहले FIR तो काट लेना, वो तो अपनी वहां FIR तो ये कटवा नहीं सके, तो जब उससे वो वक्त आएगा डिसॉल्व करने का तो फिर हम देख लेंगे कि क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर वो और भी हल हैं, एक इंतहाई स्टेप है कि आप गवर्नर राज लगा लें, वो केपी में भी लग सकता है, पंजाब में भी लग सकता है, लेकिन शायद हुकूमत उस ऑप्शन को चूज करे। ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद गवर्नर राज अब नहीं लग सकता। नहीं, ये एक स्टेप अवेलेबल है, ये गुंजाइश अवेलेबल है, इसका रास्ता निकल सकता है। कैसे अवेलेबल है सर? आपको उसको इंडोर्स करवाना पड़ता है प्रोविंशियल असेंबली से, तो लेकिन और कोई अब कसर रह गई है PMLN? और माफ करिएगा सर, एक और बात, क्या कोई अब कसर रह गई है? आप अपनी जो जमहूरी रवायात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, कोई उनमें कसर रह गई है कि अब आप गवर्नर राज लगा के वो थोड़ी बहुत जो एक गुंजाइश थी कि आप लोग भी डेमोक्रेटिकली वो ऑपरेट करते हैं, अब वो भी खत्म कर देंगे, आप गवर्नर राज लगाएंगे दो सूबों में? नहीं, देखिए ये एक इंतहाई स्टेप है, मैंने कहा ये एक इंतहाई स्टेप है, लेकिन ये एक ऑप्शन है जिसके अंदर जो आप रुकावट जिसका बता रही हैं उसको भी लीगल टीम देखेगी, लेकिन ये एक स्टेप है जो कि एक कार्ड इन हैंड है, ये इस्तेमाल होता है नहीं होता, दैट इज वन ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये कि ये डिसॉल्व कर लेती हैं असेंबलीज, कर लेते हैं अपनी असेंबलीज, तो वहां पर केयर टेकर हुकूमत आएगी, वो कितनी देर चलती है, वो केयर टेकर हुकूमत कौन सा वजीर आला आता है, ऑपोजिशन हुकूमत का डायलॉग कैसा होता है, वो उसके अंदर से क्या नतीजा निकलता है, वो इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता, ये वो सारी चीजें हैं जो अभी आगे अनफोल्ड होनी है। और दूसरा ये कि बिल्कुल हमारा ख्याल है कि ये एक धमकी है, एक इन्होंने अनाउंसमेंट है, बिल्कुल जो हकायक उन्होंने बताए कि जो है इकोनॉमी के बारे में, मैं समझता हूं कि उनके ऊपर इसहाक डार साहब पहले ही काम कर रहे हैं, और जो IMF के साथ जो बातचीत है, कितना काम करेंगे? देखिए जो डेटा रिक्वायर्ड है, चैलेंज क्या है? देखिए लेट मी टेल यू द चैलेंज। चैलेंज ये है कि आपने एक फिस्कल डिसिप्लिन में रहना है क्योंकि आप IMF के वायदे में हैं, और वो फिस्कल डिसिप्लिन जो है अगर उसमें कोई कमी पेशी आती है तो वो उसको आपने IMF को सेटिस्फाई करना है कि ये क्यों है, या आपको अजाफी रेवेन्यू एक्यूमुलेट करना है कि आप उसको कवर कर पाए। देखिए यहाँ पाकिस्तान में फ्लड्स आए
और फ्लड्स के ऊपर जो है बड़ा नुकसान हुआ और हमारा बजट जो है उसकी वजह से जो है अफेक्ट हुआ, तो वो चीजें हम कन्वे कर रहे हैं आईएमएफ को। आईएमएफ के कुछ सवाल थे कि आप रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे, तो आप आईएमएफ को कन्विंस तो नहीं कर पाए ना अभी तक, वो जो डार साहब ने हमें बड़े बताया था कॉन्फिडेंटली कि आई नो हाउ टू डील विद द आईएमएफ, तो वो कहां गए वादे सर, वो नहीं डील कर पा रहे। देखिए बिल्कुल, अगर थोड़ा अभी बहुत तक तो आईएमएफ इज नॉट कन्विंस्ड। देखिए अगर थोड़ा बहुत डिले आया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मौदा टूट गया या हम उनके प्रोग्राम से निकल गए। हम वी विल कवर इट, बातचीत हो रही है, डेली बेसिस पे डेटा शेयर हो रहा है, इंशाल्लाह ताला ये रिव्यू भी हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी देर आर प्लान्स के हम इनफ्लोज जो है वो ले आए, तो जब वो इनफ्लोज रियलाइज हो जाएंगे तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि कोई डिफॉल्ट के तो बिल्कुल ही कोई इम्कान नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम 5 दिसंबर को जो बॉन्ड है उसको भी रिटायर कर रहे हैं और भी जो हमारी कमर्शियल रिटायरमेंट्स आगे आने वाली है। सर वेरी क्विकली, डॉलर जो है वो 200 से नीचे आ रहा है, डॉलर 200 से नीचे आ रहा है सर, यस और नो? देखिए मैं इसके ऊपर आई कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर के डॉलर कहां जाएगा। ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि हम अपने रिजर्व्स को बिल्ड अप करें, अपने जो हमारे आउटफ्लोज हैं उसको कवर करें, और ये जब अगर चीजें हो जाती हैं कवर तो इसके इम्कान जरूर होंगे कि ये नीचे आए।